तक हम देश को भारत और इंडिया दोनों ही नामों से बुलाते थे, लेकिन क्या अब सिर्फ भारत ही रह जाएगा? दरअसल G20 की 18वीं समिट इस साल 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इस साल भारत पहली बार G20 की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए काफी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है, दिल्ली को सजाया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन G20 मीटिंग को लेकर देश में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस बैठक के लिए डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसमें देश के नाम को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। दरअसल इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस आरोप से हुई, जिसमें कहा गया कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके साथ ही एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है, क्या देश के नाम से इंडिया हटाने वाली है मोदी सरकार। विपक्ष ने इसको लेकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। अब संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ा जा सकेगा कि भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा। अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक पोस्ट में लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हमारी सभ्यता अमृतकाल की ओर तेजी से बढ़ रही है। वहीं बीजेपी सांसद हरनाम सिंह ने कहा, पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। बता दें कि मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। सत्र को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं हुआ, लेकिन चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द को हटाने को लेकर बिल लेकर आ सकती है। चलिए आपको बताते हैं देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। हमारे देश के दो नाम हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, का मतलब हुआ कि देश के दो नाम हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी। अंग्रेजों में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में भी इंडिया लिखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दो नाम कैसे पड़े। 1947 में जब आजादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई। यह बहस 18 नवंबर 1949 को हुई थी। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य H.B. कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम थे, यानी इंडिया और भारत। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, मातृभूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में कामत अकेले नहीं थे। सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा था इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है, इसके बजाय हमें भारत को विदेशों में इंडिया के नाम भी जाना जाता है शब्द लिखना चाहिए। उन्होंने पुराणों से लेकर महासभा तक का जिक्र किया। गोविंद दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी, इसलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। B.M. गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलपति त्रिपाठी और हर गोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया था। उस दिन देश के नाम को लेकर कलपति त्रिपाठी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच तीखी बहस हुई थी। हालांकि सारी बहस का कुछ नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह इंडिया दैट इज भारत रिपीट बना रहा। कैसे हट सकता है इंडिया, चलिए अब बताते हैं आपको
कैसे हट सकता है इंडिया? संविधान का अनुच्छेद एक कहता है इंडिया दैट इज भारत जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद एक इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद एक में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं तो कुछ संशोधन के लिए 66 बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद एक में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। अब ये भी जान लेते हैं कि कब कब उठी है नाम बदलने की मांग। वैसे तो देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे समय से होती आ रही है। 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने दो प्राइवेट बिल पेश किए। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा। वहीं साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। आपको बता दें कि देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय तत्काल जस्टिस T.S. ठाकुर ने कहा था भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा था भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता था। अब देखना ये होगा कि इंडिया से हटकर भारत कब तक होगा, यानी हमारे देश का नाम सिर्फ भारत कब तक रह जाएगा, कब तक हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।